नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। वेस्ट इंडीज और भारतीय टीम के बीच पहला T20 मुकाबला भारतीय टीम 4 रनों से गवा गई और वहां पे बड़े बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या अगले मुकाबले में यानी आज जो दूसरा T20 मुकाबला खेला जाने वाला है उसमें कुछ बड़े बदलाव क्या देखने को मिल सकते हैं या नहीं देखने को मिल सकते हैं। इसी पर भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज और कमेंटेटर वसीम जाफर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए और उन्होंने कारण भी बताए हैं कि क्यों मिलना चाहिए। ईशान किशन का फॉर्म ओडीआई में और टेस्ट मुकाबलों में अच्छा रहा था, उन्होंने कोई नकारा नहीं है, उसे ऐसा नहीं है। तीनों ओडीआई सीरीज के अगर मैचों की बात करें तो वहां पे तीनों मुकाबलों में उनकी 50 देखने को मिली थी। हालांकि शतक में तब्दील नहीं कर पाए थे लेकिन तीनों में 50 प्लस का स्कोर देखने को मिला था। वहीं आखिरी जो टेस्ट पारी थी उसमें भी 50 से ऊपर का स्कोर बनाया था उन्होंने। तो ये वो बोलते हुए नजर आए हैं कि लिमिटेड ओवर में, ओडीआई में और टेस्ट में उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर बात T20 की आ जाती है तो वहां पे ईशान किशन का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। इसे हम ऐसा नहीं कह सकते, इसे ढक नहीं सकते, उनके ऐसे आलोचना नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल माना है। उन्होंने बोला है कि पिछले 15 पारियों को अगर उठाकर देखा जाए तो वहां पे 40 रन की पारी भी नहीं है ईशान किशन को लेकर। तो उस बड़े स्कोर में नहीं तब्दील कर पाते हैं, छोटी छोटी पारियां जरूर खेलते हैं जैसा कि पहले T20 मुकाबले में देखने को मिला। 9 गेंदों का सामना करते हैं, 1 चौके की मदद से 6 रन की पारी खेलते हैं और खराब शुरुआत रही 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, और खराब शुरुआत के बावजूद ही भारतीय टीम मुकाबला हार गई। तो ये कह सकते हैं कि ईशान किशन स्ट्राइक रेट के ऊपर भी बात करते हुए उन्होंने बोला कि T20 में इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट भी नहीं है ईशान किशन का कि अन्य प्लेयरों के मुकाबले, यानी सूर्यकुमार यादव की बात करें या अन्य किसी भी खिलाड़ी के मुकाबले उनका स्ट्राइक रेट उतना ज्यादा नहीं है जिस पर ज्यादा चर्चा की जा सके। तो उन्होंने बोला कि ईशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। यशस्वी जायसवाल के पक्ष में वो और बोलते हुए बोला कि टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी ही करते हैं, फिर चाहे वो आईपीएल हो या रणजी सीजन हो। और अभी टेस्ट में पदार्पण किया उन्होंने टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां 100 शतक शतकीय पारी खेले, बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए। वहां पे सुमन गिल को नीचे तीसरे नंबर पर खिलाया गया था उन्हीं को ओपनिंग करवाने के चक्कर में। तो ये तो है कि मौका मिलेगा तो आपको टॉप ऑर्डर यानी ओपनिंग बल्लेबाजी में ही मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ उन्होंने शुरुआत की है, जॉस बटलर के साथ मैच टू मैच करते आए हैं जॉस बटलर की बल्लेबाजी को, और ये लग रहा है कि अगर टॉप ऑर्डर में उनको मौका मिलता है तो एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकते हैं भारतीय टीम को, क्योंकि 14 गेंदों पर 50 कौन भूल सकता है। जिस तरीके से धुआं उड़ा दिया था वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, फास्टेस्ट आईपीएल 50 जड़ी थी उन्होंने, और ये दिखाया था कि वो ऐसा नहीं कि टिककर बल्लेबाजी कर सकते हैं, चौके छक्के भी जड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आज दूसरे T20 मुकाबले में ईशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।